दोस्तों कल्पना कीजिए कि भारत का किसी देश की सेना के साथ युद्ध छिड़ गया हो, वहां पर भारत की सेना या भारत का कोई भी हथियार मौजूद नहीं है, कई किलोमीटर दूर तक नताएं नपाएं, सब कुछ सन्नाटा है। अचानक आसमान से रंग बिरंगी रोशनी की किरणें बिजली की रफ्तार से आसमान से धरती की तरफ उसी तरफ आती हैं जहां पर दुश्मन देश की सेना है। ये किरणें जैसे ही दुश्मन सैनिक और दुश्मन के हथियार और दुश्मन के किसी भी हाईटेक से हाईटेक हथियार तक पहुंचती हैं, वैसे ही आग लग जाती है, तबाही मच जाती है, सैनिक अंधे हो जाते हैं और टैंक खुद ब खुद जलने लग जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि कहीं पर पेट्रोल पहले से मौजूद हो और बस चिंगारी लगाने की देर हो। आप कहेंगे ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में हो सकता है, स्टार वॉर फिल्मों में ऐसा ही तो होता है, काल्पनिक हथियार हो, अंतरिक्ष में रहते हैं, उनसे हमला होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे हम ये कहें कि भारत के इसरो के वैज्ञानिकों ने ऐसे हथियार पर काम करना शुरू कर दिया है और ये दुश्मनों पर ऐसी ही तबाही मचा सकता है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, भारत उस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जहां पर बाकी दुनिया की सोच खत्म हो जाती है। भारत स्टार वॉर फिल्मों के हथियारों की तरह कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है और गर्व कीजिएगा इस बात पर कि सुपर शक्ति अमेरिका और कथित तौर पर खुद को ताकतवर देश बताने वाला चीन भी भारत के DRDO की इस तकनीक के आगे बेबस है। वो भारत से पीछे छूट जाने वाले हैं और DRDO की इस तैयारी से अमेरिका के कान खड़े हो चुके हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात होगी इसी आसमानी मायावी अस्त्र की, तो वीडियो पर कर दीजिएगा एक लाइक और कमेंट में लिखिएगा जय हिंद जय भारत। शुरू करते हैं। अंतरिक्ष में एंट्री मारने वाला है इसरो का महा हथियार। अमेरिका रूस चीन सब हैरान, ये क्या कर रहा है भारत? दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, लेकिन चीन की चालबाजी को देखते हुए LSC पर भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। चीन को लेकर हाल ही में खुलासा हुआ कि चीन ने इतिहास का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से लगती सीमा पर खड़ा कर दिया। चीन भारत की यूक्रेन युद्ध में बिजी मानकर LSC पर बड़ी घुसपैठ करने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि अगर चीन ने ऐसा किया तो उसकी ये सबसे बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि मोदी सरकार ने गलवान में हुए खूनी संघर्ष के बाद भारतीय जवानों को फ्री हैंड दे दिया है। यानी कि भारतीय जवानों को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसको लेकर मोदी सरकार से इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा भारत और भी तैयारियां कर रहा है। एक तरफ जहां भारत सुपरसोनिक ड्रोन्स को LSC पर तैनात करने की योजना पर काम कर रहा है, दूसरी तरफ GB बम जैसे महाविध्वंसक हथियारों का डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पर किया जा रहा है। लेकिन हाल ही में भारत ने एक और खतरनाक हथियार को LSC पर तैनात करने का फैसला किया है। ये एक ऐसा हथियार होगा जिसके बारे में चीन ने आज तक सुना नहीं होगा। जिस तरह से भारत का ये नया हथियार काम करता है, चीन ने ऐसी कोई कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों भारत के इस नए और हैरान कर देने वाले हथियार के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के उस पराक्रम से रूबरू कराते हैं जो पलक झपकते ही चीन को बैकफुट पर धकेल सकता है। आपको गर्व करना चाहिए कि चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे स्पेस शटल को तैयार कर लिया है जिसका दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हथियार का नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV। इसे ऑर्बिटल री एंट्री ORV भी कहा जाता है। दोस्तों ये कोई ड्रोन, मिसाइल या फिर फाइटर जेट नहीं, बल्कि इसरो के द्वारा तैयार किया गया एक स्पेस प्लान है, जिसके तहत इसरो के वैज्ञानिकों ने बेहद ही सीक्रेट तरीके से इसे तैयार कर लिया। ये एक ऐसा हथियार है जो न सिर्फ धरती के वायुमंडल में बल्कि स्पेस पर जाने की काबिलियत रखता है। ये स्पेस में ट्रैवल कर सकता है और स्पेस में सैटेलाइट को काफी कम कीमत में लॉन्च करने की ताकत रखता है। सबसे खास बात यह है कि इसका दोबारा से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस मामले में सबसे आगे निकल गया भारत। जंग हुई तो इसरो इस हथियार को उतारेगा मैदान में। दोस्तों इस मामले में भारत ने चीन तो छोड़ो अमेरिका को भी पछाड़ दिया है, क्योंकि ऐसी तकनीक अभी अमेरिका भी विकसित नहीं कर पाया। चीन का इस तकनीक को लेकर दूर दूर तक कोई नाम नहीं। भारत के अलावा एलन मस्क यानी कि SpaceX इस तकनीक पर काम कर रहा है, लेकिन इसरो के द्वारा विकसित की गई तकनीक SpaceX की तकनीक से काफी जटिल और हाईटेक है। रिपोर्ट की माने तो इस RLV का इस्तेमाल न केवल अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लॉन्च करने में किया जा सकता है, बल्कि इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला किया जा सकता है। दुश्मन के सैटेलाइट को निशाना बनाया जा सकता है और उसका अंतरिक्ष में ही नेस्तनाबूद से किया जा सकता है। सबसे खास बात यह कि इस ORV के जरिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि लेजर हथियार दागे जा सकते हैं, यानी कि लेजर के जरिए अंतरिक्ष से ही दुश्मन की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को तबाह किया जा सकता है। इसरो के द्वारा तैनात किया गया यह नया योद्धा स्पेस में बिजली की रफ्तार से मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से तेज है, यानी कि इसकी स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड के आसपास हो सकती है। इसका इस्तेमाल करते हुए भारत ने न केवल सैटेलाइट लॉन्चिंग करने की प्लानिंग कर रखी है, बल्कि यह हमला कर सकता है और दुश्मन की जासूसी भी कर सकता है।
दुश्मन के हर एक चाल को बड़े ही शातिराना और आसानी से उस पर नजर रख सकता है, यानी भारत की सुरक्षा में भी काम ये आ सकता है। और इसे इसीलिए आधुनिक भारत का ट्रांसफॉर्मर भी कहा जा रहा है, जिसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के सैटेलाइट को बर्बाद किया जा सकता है। भारत अब न केवल अंतरिक्ष में काफी कम कीमत में सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएगा, बल्कि अंतरिक्ष सुरक्षा में कदम आगे निकल जाएगा। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश भी इस तकनीक को हासिल करना चाहते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए वे दुश्मन के सैटेलाइट को डायरेक्ट एनर्जी वेपन से अंतरिक्ष में ही तबाह कर सकें। लेकिन अभी तक उनके पास ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसरो के वैज्ञानिक इस तकनीक को और भी ज्यादा एडवांस बनाने पर भी काम करने लग गए हैं, और इसे लेकर ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं की गई है। हालांकि दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।